व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। जेलर मूवी रिलीज हो चुकी है और उसका आ चुका है रिव्यू। तो रजनी का राज ये लिखा है, नो डाउट रजनीकांत सर की जो फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल है। उनकी मूवी जैसी आती है ना, भाई साहब लोग काम धंधा छोड़ के सीधा मूवी देखने पहुंच जाते हैं। तो रिव्यू देखते हैं क्या है जेलर मूवी का। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। चैनल का नाम है स्क्रीन वाला और जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रजनीकांत। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बउआ भाई। बिल्कुल, फिजिक्स की गलियों के कैप्टन चार्मिंग, ग्रेविटी के परिवार के खानदानी दुश्मन है, न्यूटन के पापा और साउथ के ओरिजिनल पोस्टर बॉय। 72 की एज में अकेले वो स्टार हैं जो आज भी हीरो का रोल प्ले करते हैं। क्यों, सिर्फ नाम ने ही हिला डाला ना। इनके साथ के ज्यादा स्टार्स ने साइड रोल्स पकड़ लिए हैं। रजनीकांत ने आज भी अपना थ्रोन बनाए रखा स्टारडम। अब उनकी फिल्म आई है जेलर। अब जेलर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, रजनीकांत की साख का सवाल है। दरअसल तमिल इंडस्ट्री में थलपति विजय का मार्केट लगातार बढ़ रहा है, वो कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स दे रहे हैं। वहीं रजनीकांत की आखिरी हिट फिल्म पेटा थी, वो भी 2019 में आई थी। इंडस्ट्री में ये शोर है कि रजनीकांत का स्टारडम अब विजय ने ओवरटेक कर लिया है। यही वजह है कि इस मूवी के ऑडियो लॉन्च में उन्होंने पहली बार 1 घंटे की स्पीच दी और कहा कि उनको जिस आग ने सुपरस्टार बनाया वो आज भी जिंदा है। बताने वाले कहते हैं कि उनका सीधे विजय को चैलेंज था। विजय की अक्टूबर में लियो रिलीज हो रही है, इसको उससे ज्यादा अर्न करना होगा, ऐसे में ये साख की लड़ाई ज्यादा है। तो कितनी दमदार है ये फिल्म, आइए पिक्चर के बारे में बात करते हैं। तो वही रजनीकांत एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी एक छोटी सी फैमिली है। उनका एक बेटा है, एक पोता है, बेटा भी पुलिस ऑफिसर है। एक ऑनेस्ट ऑफिसर होने के नाते उन्होंने उसे भी ऑनेस्ट बनाया है। अब इसी बीच एक रॉबरी करने वालों का गैंग है जिसकी इन्वेस्टिगेशन में वो लग जाता है। सब मना करते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता। एक दिन वो गायब हो जाता है। अब वो कहां गया है और किसने उसे गायब किया, इसकी खोज में रजनीकांत का वो रूप देखने को मिलता है जिसके लिए सीटियां और तालियां बजनी ही बजनी है। उनकी एंट्री से लेकर अनिरुद्ध का बीजीएम पक्का थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लेने वाला है। मूवी के बीच में शिवा राजकुमार की भी एंट्री सॉलिड है। उनके साथ ही मूवी का एक्शन कई जगह बहुत डिफरेंट सा लगेगा आपको। रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस भी गजब है। 1 घंटे और 20 मिनट का फर्स्ट हाफ बहुत स्मूथली निकल जाता है, कोई बोर नहीं होता। मूवी की बात करें तो कई सारे सीन्स देखकर मजा आ जाता है। एक सीन है जिसमें मोहनलाल, शिवराज कुमार और रजनीकांत ने स्क्रीन पर एक साथ एक्शन किया है, फुल ऑन पैसा वसूल। वहीं इसमें पुलिस स्टेशन में भी एक्शन का सीन है जहां जैकी दादा जी हां टाइगर के पप्पा एक पास्ट की कहानी फ्लैशबैक में सुनाते हैं, वहां यंग रजनीकांत को देखने का भी मौका मिलता है। इन सारे लोगों को देखकर फिल्म में जो गूज़बम्स आता है ना भाई साहब, साउथ के फैंस को मजा आएगा। रजनीकांत ब्रांड को सेलिब्रेट करती एक मूवी, बहुत बेहतरीन मास मसाला एक्शन मूवी कही जा सकती है। हाँ, फिल्म के अंदर टिपिकल साउथ के कुछ फ्लेवर जरूर हैं, लेकिन जिस हिसाब से पैन इंडिया लेवल पर इतने सारे आर्टिस्ट को लिया एक ही स्क्रीन पर, फुल ऑन पैसा वसूल होगा अगर आप थिएटर में जाओगे तो। बाकी रजनीकांत का जो फैन बेस है वो एक ऐसी ही फिल्म की डिमांड कर रहा था। देखना बस ये है कि इसे अब कितने दिनों तक स्क्रीन पर देखने लोग जाते हैं। बाकी इसमें कई सारे डायलॉग्स हैं जिसमें मुझे एक स्वैग वाला रजनीकांत का डायलॉग सबसे बढ़िया लगा, अर्थमय था, यानी समझ गए ना। अभी कई जगह आपको सेलिब्रेट करने का मौका देती है। ऑल इन ऑल एक एंटरटेनर है, देखेंगे या देख चुके हैं जो भी रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताएं। गदर 2 और OMG 2 के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जल्दी इस पे आपके लिए रिव्यू लाएंगे। जाने से पहले आपको गाइज, अगर आप में से किसी ने देखी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, कैसे लगी मूवी। बाकी जब हमने इसका ट्रेलर देखा था मूवी का, तभी उसी दिन हमने कहा था भाई बवाल होने वाली है मूवी, एक अलग ही माहौल क्रिएट किया होता है, एक जो कहते हैं मास मसाला। मैंने उसमें बोला था कि इस एज में हीरो का रोल प्ले करना भाई, मतलब अभी मेन उसमें प्ले करते हैं, उसमें और गजब ही करते हैं। मतलब इनकी जो स्टारडम है ना वो लोगों से तो है, लेकिन इनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस होती है एक अलग ही लेवल का इनका रहता है। प्रूव कर दिया, एज इज जस्ट अ नंबर वाला, एज इज जस्ट कुछ लोगों में बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और जो एक्शन सीन्स होते हैं ना वो सूट भी करते हैं इनके ऊपर। याद है वो चश्मे वाला हो या लोग आज भी कॉपी भी करते हैं इनको, हर एक चीज है। लेकिन वो कहते हैं ना बहुत कम लोग होते हैं जो सुपरस्टार की उपाधि हासिल कर सकते हैं लाइफ में, उनमें से रजनीकांत सर है। और ये मूवी मेरे हिसाब से काफी अच्छा कलेक्शन करेगी। आपने देखी है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। बाकी अब गदर 2 भी आने वाली है मूवी, और OMG 2 भी, उसके लिए भी काफी एक्साइटमेंट है। आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।